दोस्तों मुंबई को बनाने थे आखिरी ओवर में 17 रन और मुंबई के हाथ से निकल चुका था ये मैच। लेकिन दोस्तों टीम डेविड ने आखिरी ओवर में इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करी कि राजस्थान की पूरी टीम हिल गई थी और मैदान पर बैठे सभी दर्शक चौंक गए थे। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 42वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां दोस्तों ये मुकाबला आईपीएल का 1000वां मुकाबला था और एक ऐतिहासिक मुकाबला भी था। ऐसे में ये मैच जो भी टीम जीतती उनके साथ एक इतिहास जुड़ जाता। ऐसे में जहां इस मैच में संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। जहां इस मैच में जायसवाल ने अकेले ही काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। जहां इस मैच में जायसवाल ने पूरे 124 रन बनाए थे। जी हां दोस्तों 124 रन, और उनकी इस पारी में 8 छक्के तो 16 चौके शामिल थे। और दोस्तों उन्होंने ये कारनामा केवल 62 गेंदों में किया था। और दोस्तों वो ऐसा करने वाले राजस्थान के एक लौटे बल्लेबाज बन चुके हैं। हालांकि इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज इस मैच में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया था। और इनके अलावा सबसे ज्यादा रन बटलर ने बनाए, केवल 18 रन। जहां इस मैच में मुंबई की तरफ से अरशद खान ने 3 विकेट चटकाए थे तो चावला को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। और जब इसके जवाब में मुंबई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित केवल 3 रन बनाकर आउट हो बैठे तो इसके बाद ईशान किशन भी 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों इस मैच में कैमरॉन ग्रीन ने एक बार फिर से कमाल की बल्लेबाजी करी। उन्होंने 26 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों इसके बाद हमें सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने ही इस मैच में मुंबई की जीत की नींव रखी। क्योंकि उन्होंने इस मैच में काफी तेज बल्लेबाजी करी थी और वो 55 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करी और वो 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लेकिन दोस्तों इस मैच में सबसे विस्फोटक पारी तो टीम डेविड ने खेली। जी हां दोस्तों, टीम डेविड ने केवल 14 गेंदों में 45 रन बनाए थे और उनकी इस पारी में 5 छक्के तो 2 चौके शामिल थे। और दोस्तों टीम डेविड के 5 छक्कों में से 3 छक्के तो आखिरी ओवर में आए थे, जब मुंबई को आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। और दोस्तों आखिरी ओवर जेसन होल्डर डालने आए, जहां दोस्तों होल्डर ने इस ओवर में बेहद खराब गेंदबाजी करी, जहां उन्होंने टीम डेविड को तीनों की तीनों गेंद उनके रेंज में फेंक दी थी। और दोस्तों उनका हशल टीम डेविड ने छक्का जड़कर करा, क्योंकि दोस्तों पहली दूसरी तीसरी गेंद पर टीम डेविड ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर इस मैच में मुंबई को एक बड़ी जीत दिलाई। जहां दोस्तों एक समय तो मुंबई के हाथ से ये मुकाबला पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन दोस्तों टीम डेविड ने आखिरी ओवर में इतने बड़े छक्के जड़े कि मुंबई की टीम ये मुकाबला 6 विकेटों से जीत गई, वो भी दोस्तों 3 गेंद पहले ही। और दोस्तों इस जीत के बाद मुंबई की टीम को पॉइंट टेबल में फायदा पहुंचा है। जहां इस जीत के साथ मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में 9वें नंबर से सीधा 7वें नंबर पर पहुंच गई है और उनके 8 अंक हो चुके हैं। तो दोस्तों इस मैच में जायसवाल ने शानदार पारी खेली थी और उनके पास ऑरेंज कैप आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा था, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।